नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। जैसा कि मीरा भाईंदर में नया डीपी प्लान आया है, उस डीपी प्लान को लेकर मीरा भाईंदर शहर के कई नेताओं ने अपने अपने तरह से बात रखी है। उस क्रम में आज नरेंद्र मेहता ने भी एक पत्रकार परिषद रखी और उस पत्रकार परिषद के दौरान उन्होंने मीरा भाईंदर में नए डीपी प्लान को लेकर कई खामियों को उजागर किया और नरेंद्र मेहता ने यह चेतावनी देते हुए कहा है कि इस नए डीपी प्लान में जो भी हरकतें हैं और जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो जनोपयोगी नहीं है, ऐसे मुद्दों को नहीं हटाया गया तो आंदोलन होगा। नरेंद्र मेहता ने यह भी बताया कि इस विषय को लेकर 12 तारीख को भाईंदर पश्चिम के 52 जिलाले से आंदोलन शुरू होगा जो महानगर पालिका तक जाकर समाप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम यह बिना किसी राजनीति के जनता की भलाई के लिए ये कदम उठा रहे हैं। तो चाहे भाईंदर ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो, पिंकरपड़ा की बात हो, काशी की बात हो, उसके ऊपर आज भी डीपी के अंदर बिल्डिंग के ऊपर रोड दिख रहे और बिल्डिंग के ऊपर रिजर्वेशन दिख रहे, तो इनका भविष्य कल भी अंधकार में था, भविष्य भी अंधकार में होगा। तो इस रिजर्वेशन को हटाया जाए, जहाँ खुली जगह है वहां पे लेके जाया जाए, इस तरह का हमारा ये विषय है। इस तर्क में हम चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट प्लान को रद्द किया जाए और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के माध्यम से ये भेजा जाए। करने वाले तो लास्ट में वही अधिकारी, ये वापस जाएगा थाना एडीटीपी, जिन्होंने प्लान को उनके पास ही जाने वाला है। हम तो केवल सुझाव दे सकते हैं उसके, लेकिन सुझाव के डेफिनेशन ये लेटर के माध्यम से 1, 2, 3, 4, 5 कितने देंगे। इसके अंदर करीबन 5,000 मीरा भाईंदर के रहवासियों ने ऑब्जेक्शन लिया है, जिन्हें लगता है कि अंधकार में है मीरा भाईंदर का भविष्य, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्शन आए। तो हमारी सोच ये है, हमारी मांग ये है कि एक बार ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के लोक प्रतिनिधि है, सभी पार्टी के होते हैं, वो अपनी सोच उसमें रखें और यहाँ से तैयार करके वहाँ पे भेजें। अगर उन्हें लगेगा कि हमने कुछ गलत किया तो उनका पूरा अधिकार है उसे निर्णय लेने का। तो इसलिए हम 12 तारीख को सोमवार को सुबह 10:30 बजे भाईंदर में 52 जिलाले मंदिर जो है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, अहिंसा चौक से, और नगर पालिका में जाके अपनी प्रस्तावना देंगे कि कमिश्नर साहब को उन्हें एडीटीपी को भेजे और सरकार को भी भेजे। और इस बीच में हम कोशिश करेंगे सभी पार्टी एक साथ आए और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि मीरा भाईंदर का अंधकार घातक होगा, इससे अगर सोचा नहीं गया। और साथ ही साथ हम कोर्ट के अंदर भी PIL फाइल कर रहे हैं ताकि हमें दोनों तरफ से न्याय की उम्मीद है, सरकार से भी और न्यायालय से भी। सर, नगर पालिका के जो रिजर्वेशन हटाए गए, आप बोल रहे जिसे डिलीट किया गया, कहीं ना कहीं पालिका प्रशासन भी उसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने उस चीज को डेवलप नहीं किया। दूसरी ओर डीपी प्लान लीकेज होने की वजह से एडीटीपी थाना के पास में गया, वापस आप नगर पालिका को मांग रहे हो, कैसे संभव है? देखिए, लीकेज होने की वजह से नहीं गया, टाइम बार हो गया। मतलब ये तारीख तक अगर मीरा भाईंदर को डेवलपमेंट प्लान तैयार करके थाना एडीटीपी को भेजने का था, लेकिन प्रशासन मतलब कमिश्नर महोदय जी ने बॉडी को दिया नहीं तो बॉडी डिसीजन कैसे लेगी, और वो टाइम बार हुआ इसलिए वो अधिकार उनके पास गए, कोई लीकेज विकेज के कारण नहीं गए, अधिकार उनके पास चले गए, कोई टाइम में नहीं करेंगे तो उनका लीकेज भी चला जाता है, इसलिए हुआ है उसके अंदर। तो इसलिए वो विषय का बात ही नहीं है कि मीरा भाईंदर छोटा सा शहर है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-7 साल में अधिकतर रिजर्वेशन डेवलप किए, कुछ जमीन ताबे पे नहीं आई थी, कुछ पे कोर्ट के डिस्प्यूट होंगे, कुछ पे लिटिगेशन होंगे, कुछ हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे रिजर्वेशन डेवलप कर रहे हैं। एक दिन में सब नहीं हो सकता, इसलिए प्रशासन ने बॉडी को ये प्लान नहीं दिया, इसलिए ये अधिकार गवर्नमेंट के पास चले गए और गवर्नमेंट ने थाना एडीटीपी को दी। जब मैं विधायक था और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो उनको जब ये बात बताई कि शहर की छोटी मोटी बातें हैं जो एक बाहर बैठे हुए अधिकारी को, तो उन्होंने कहा था कि हम 2019 के चुनाव के बाद इसे वापस मीरा भाईंदर को भेजेंगे, लेकिन फिर सरकार बदल गई और ये सब वैसे के वैसे रह गया। हाल ही में डीपी प्लान जो प्रसिद्ध हुआ है उसके अंदर मीरा भाईंदर का भविष्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना आज का, ना कल का, ना परसों का। मेरे आज के कहने के माध्यम से है कि जो आज मीरा भाईंदर की 15 लाख की आबादी है उसके अंदर बड़ी मात्रा में भाईंदर पूर्व, भाईंदर पश्चिम, नया नगर, पिंकरपड़ा, काशी गाँव, यहाँ पे बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यूनिक एडिशनल FSI वापरी गई है, ये आज भी उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है, मध्यम वर्गीय के लोग वहाँ पे रहते हैं।
तो उनका आज के जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी इस डीपी प्लान के अंदर भविष्य क्या, आने वाले 25 साल तक वो वैसे ही रहेंगे क्या, सारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे क्या, इस डीपी प्लान में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं। अब वीरा भाईंदर के सारे नो डेवलपमेंट जोन निकाल के, चाहे राई हो, मुरवा हो, मुर्दा हो, चाहे भाईंदर वेस्ट हो, चाहे एग्जाम्पल को पेंकरपाड़ा का पार्ट हो, काशी गांव का पार्ट हो, घोड़बंदर का पार्ट हो, नवगर का पार्ट हो, खारी का पार्ट हो, ये सभी नो डेवलपमेंट जोन निकाल के आर जोन किया गया, जिसका हम स्वागत भी करते हैं क्योंकि वीरा भाईंदर में अब अधिकतर वीरा भाईंदर डेवलप हो चुका है। तो आने वाले 25 साल में अगर इस जोन को नहीं बदला जाता तो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के चांसेस थे। आर जोन हुआ है तो लोगों को रिक्वेस्ट से परमिशन मिलेगी और सुंदर शहर का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये आर जोन करते समय आज के दिन में, जब ये पहले डीपी प्लान था तो एक FSI मतलब एक फुट पे एक फुट घर बना सकते हो, ऐसा प्रावधान था। अब उस समय इतने रिजर्वेशन थे, अगर आप गोल्डन एज से कनेक्ट के देखो तो आपको संख्या, अब एक फुट पे 6 फुट तक परमिशन मिलता है तो पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ने वाली है। अगर मैं कहता हूँ 10 एकड़ पे पहले के प्लानिंग के हिसाब से 10 लाख लोग रहते थे तो आने वाले समय के अंदर 10 एकड़ जमीन है तो उस पर 40 लाख लोग रहेंगे, ये एग्जांपल दिया मैंने। तो इस तरह का अगर प्रावधान होगा तो आने वाले जो कल और परसों के जो हमारी जनगणना होगी, जो यहाँ के रहवासी होगी, उनका भी भविष्य अंधकार में होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें। दूसरा, इस डीपी प्लान में कई सारे एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन डिलीट किए गए जिसका कोई कारण नहीं था। ये रिजर्वेशन कोई हमने नहीं डाले थे सत्ता में आने के बाद, कोई हमने उसका उपयोग, ये आज से जब हम छोटे बच्चे थे तब से ये रिजर्वेशन है, पिछले 30 साल से 92 में प्लान की शुरुआत होती 97 में मंजूर हुआ था, उसको बदलने का कोई कारण नहीं था। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कुछ बिल्डर के कहने पे बेली भगत से रिजर्वेशन बदलेंगे, ऐसा हमारा आरोप है। मैं इस अवसर पर पूर्व सभागृह नेता प्रशांत दलवी, पूर्व स्थायी समिति के सभापति राकेश शाह, उप महापौर हसमुख गहलोत, वरिष्ठ नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल तथा पूर्व नगर सेवक भगवती शर्मा भी उपस्थित थे। नरेंद्र मेहता ने जो विषय रखा है वो लोगों की राय है कि जाए।